बता दें कि जब हमने कहा था खेत दिखाने के लिए तो इन्होंने कहा कि हम खेत में जाना ही छोड़ दिए। नमस्कार, आपसे गुजारिश है, यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रतापगढ़ ज़िले में फ़िलहाल मौजूद हैं और ये बाबागंज विधानसभा सीट है। मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो नाली है इससे पानी लेते हैं किसान अपने खेतों के लिए और खेती करते हैं। हम दरअसल यहाँ आए थे चुनावी सर्वे पर, लेकिन एक किसान चचा मिले, कई लोग थे वहाँ पर, इन्होंने कहा कि चलिए हम आपको अपना खेत दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे खेत में हमारी आय दोगुनी हो चुकी है। तो हमने भी सोचा कि चल के खेत में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसान कितना परेशान है। और ये देखिए, गेहूं की फसल इन्होंने लगाई थी और ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, आप अगर देखें नीचे। और खेतीबाड़ी से, ज़मीन से अगर आप जुड़े होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में इस समय क्या है। चचा, ये कौन सी जगह है अभी? सोनामऊ, राजस्व गांव सोनामऊ है ये। अच्छा, गंगा के किनारा। राजस्व गांव सोनामऊ ना? हाँ। गंगा किनारा है ये। हाँ, गंगा किनारा। तो ये गेहूं की फसल आप कब लगाए थे आप लोग? अरे जी, इसको अब तालुक काला में होना था। हाँ जी, मतलब यही तरह, मतलब अब तक इसको निफरना था। अच्छा, मतलब अब तक ये फसल कितनी बड़ी होनी चाहिए थी? कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये लगभग 1.5 फीट होनी चाहिए। हाँ, नवंबर की बुवाई आई है। नवंबर की बुवाई? हाँ, नवंबर की सब बुवाई है। नवंबर की बुवाई। अच्छा, ये पूरा खेत चर गया हमारा पशु? हाँ जी, ये देखा ये सब अपने खेत आई है सुबह तक। अच्छा, ये वो सब? सब सब ये देख ले, ये हमारे भाई का है, ये हमारा है। अच्छा, आपका तो ज्यादा ही साफ हो गया है। हाँ जी, आपका खेत तो ज्यादा साफ हो गया। इसमें 65 रुपया किलो का बीया है। अच्छा, 65 रुपये किलो बीज आप लगाए थे इसमें? हाँ जी, गंगा कबेरी का बीज था। देख लें इधर, और तार भी बंधा है। तार भी बंधा है चारों तरफ से, कटीले तार से इस खेत को चारों तरफ से बांधा गया है, मगर फिर भी आवारा पशुओं ने इसको एकदम साफ कर दिया है। किसान हैं, अपना दर्द दिखाने के लिए हमको खेत में लेकर आए हैं और हमसे पूछा इन्होंने कि थोड़ी दूर पैदल चल लेंगे कि नहीं। दरअसल यहाँ कुछ 100 मीटर पैदल भी चलना था तो हमने कहा कि हम भी पैदल चलने वाले हैं और लोगों की समस्या दिखाने के लिए हम कितनी भी दूर पैदल जा सकते हैं। सोनभद्र में जब हम लोग गए थे वहाँ हमने पहाड़ियों पर लंबी लंबी दूरी तक पैदल चले हम लोग, यहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये एक दूसरा प्लॉट है, यहाँ भी देखिए आसपास जितना भी है, ये भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, आप सबको देखिए, सब में जो फसलें हैं, जो गेहूं अब तक लगभग 1.5 से 2 फीट की लंबाई पर होना चाहिए था, जिसको अब फल लेना चाहिए था ना। हाँ, अब अनाज उसमें लगता, लेकिन आवारा पशुओं ने सब कुछ एकदम समाप्त कर दिया है। और किसान के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, अपना खेत देखकर कैसा लग रहा है आपको जब ये सब कुछ बर्बाद हो गया? आपने मेहनत भी काफ़ी की थी, पैसा भी लगाया था। पैसा बहुत लगा है जी। हाँ, कितना खर्च किए थे आप ये दोनों खेत मिला के? इसमें सिर्फ गेहूँ के बुवाई में कम से कम, कुछ नहीं तो इतने खेत में कम से कम 3-4 हज़ार रुपया लगाया हूँ ये और ये मिला के। खाली इसके बाद बता रहा हूँ, इसमें मतलब 2 बोरी, 1 बोरी तो हम डाई डाला है, उसके बाद 1 बोरी हम यूरिया डाला है, लेकिन फिर जब गोरुन का देख लें तो हम वह छोड़ दिए। अच्छा, आप खेत में नहीं आते हैं? क्या करें, इसमें क्या होगा, आप देखें ना, इसमें हो जाएगा, होगा आप, यही हाल है। एक चीज़ और बता दें कि जब हमने कहा था खेत दिखाने के लिए तो इन्होंने कहा कि हम खेत में जाना ही छोड़ दिए हैं। तो सही बात है, जहाँ आप इतनी मेहनत करें और सिर्फ पैसा ही नहीं, जो इन्होंने मेहनत की होगी उसका तो आप नहीं जोड़ रहे हैं ना? नहीं नहीं, जो मेहनत है, जो लागत है, वो दोनों अगर मिला दें आप, और इतनी मेहनत करने के बाद उम्मीद जगती है कि कुछ मिलेगा। जब फसलें होती हैं तो घरों में जो कार्यक्रम होने होते हैं, शादी विवाह के और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, उनका प्लान किया जाता है। हाँ जी। अब फसल ही नहीं होगी तो किस हिसाब से गरीब किसान जो है हमारे देश के, प्रदेश के, वो किस तरह से कार्यक्रमों को करेंगे और क्या प्लान करेंगे भविष्य का, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ जितने भी प्लॉट हैं, गेहूँ जिनमें भी लगाया गया था, सब साफ है। सरसों के कुछ पेड़ दिख रहे हैं, बस सरसों के पौधे दिख रहे हैं छोटे छोटे बीच बीच में, गेहूं पूरी तरह से साफ़ है। तो किसानों का दर्द है, बहुत ही गहरा है ये,
जहाँ हमने चुनावी सर्वे के लिए हम लोग रुके थे प्रतापगढ़ में, बाबागंज विधानसभा में, वहाँ भी लोगों ने कहा कि काफ़ी परेशानी है। हमने गाजीपुर में आपको जाके दिखाया था किस तरह से किसान पूरे खेतों को चारों तरफ से कटीले तारों से घेर कर उन्होंने रखा है, और ये एक बड़ा मुद्दा है। किसानी ही गाँव में प्रमुख व्यवसाय है, और कोई यहाँ मिल फैक्ट्री बहुत बड़ा धंधा नहीं चलता है, नहीं है ना चाचा? नहीं, खेती करते हैं लोग, उसी से अपना जीवन यापन होता है, और खेती इस तरह से चौपट होती रहेगी तो किसान कहाँ जाएगा। अच्छा, जो अनाज मुफ्त मिल रहा है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी इससे? अब आप देख लें, एक कुनूट पर 5 किलो मिलता है, उससे आप खुदे घर गृहस्थ हैं, समझ लें कि क्या उससे, इसके अगर नहीं पैदा होगा तो क्या उससे भरपाई हो जाएगा? तेल नून सब कुछ है, साग सब्जी सब कुछ है। ऐसा कि हम लोग जात के आदमी, हमारे सबके गाय भैंसी हैं, अब ये तो सब चला गया ही, कहाँ से भूसा लाएंगे, कहाँ से के खरीद के कितना काम कर देंगे, भूसा भी तो हमको खरीदना पड़ेगा। अब भूसा खरीदने के लिए जो हमारे खेत में नहीं होगा तो कहाँ से भूसे लाएंगे? क्या उसको कोटेदार भूसा भी देगा? क्या वो राशन भी देगा? गाय गाय जानवर को खिलाने के लिए क्या कोटेदार देगा? 5 किलो तो ही ऐसे देखने के लिए दे रहा है। जमीन में लगभग कई क्विंटल गेहूँ हो सकता था, कितना क्विंटल? इतने माँ जी कम से कम कुछ नहीं, तो ये तो हम इतने के बता रहा हूँ। अच्छा, इस टुकड़े के तो कुछ नहीं, तो कम से कम 2-3 क्विंटल से तो कम ना होता, बल्कि वो ज्यादा कहा बताई हम आपको, कम से कम 3 क्विंटल होता, और 3 क्विंटल से कम बता रहा हूँ आपको कि 3 क्विंटल से कम तो फिर नहीं होना चाहिए। अब वहाँ से लेके वो हमारे छोट भाई के है, ये हमारा है, ये हमारे बड़े भाई का है, और चले अब ये क्षेत्र में हम आपको सब घुमा देता हूँ। अच्छा, तीनों लोगों का साफ हो चुका है ना? अच्छा, ये देख ले सब सामने ने आपके, उसमें आपको तीनों भाइयों का पूरा पूरी खेती जो है वो नष्ट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे किसान है जो उन्होंने खेती छोड़ दिया, सब ये क्या खेती या देखे, ये तो खैर बाग लगा दिए और बाग से नहीं खेती करत रहे, लेकिन ये छोड़ दिए यही चरे की वजह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये गेहूं नहीं बोई, सरसों बोई नहीं, चराई के चक्कर से। अच्छा, जिन लोगों को डर था उन्होंने पहले ही समझदारी दिखाई और गेहूं ना बो के सिर्फ सरसों की बुआई कर दी। यहाँ देखिए, ये कोई है क्या इसमें? नहीं, नहीं, नहीं। ये देखिए, ये बिस्तर लगा हुआ है। बड़े बड़े ऐसी ऑफिसेज में बैठ के अधिकारी जो फैसला सुना देते हैं उसी फैसले पर अमल हो जाता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि किसान इस पर धरातल से कितने परेशान होंगे। और यहीं पर आप लोग दिन में भी यहाँ रहते हैं और रात में भी सोना पड़ता है। तनी से चूक जाओ चाचा, आ जाइए, थोड़ा इधर ही आ जाइए, इसी में बैठ जाते हैं। आ जाइए चाचा। तो ये जिसे रात में कितने बजे आ जाते हैं आप लोग यहाँ पे? सांझ ही ना जाते हैं जी, सांझ को जी। हाँ जी। और रात भर नींद भी नहीं ले पाते हैं सुकून से, जागना ही पड़ता होगा, क्योंकि सो जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा कहानी। तो आप भी रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, इस पे आप सोते हैं ना? इस पर हमारे भाई सोते हैं, अब ये और दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, उधर वाले पे आप सोते हैं? तो काफी परेशानी है, और किसानों को घर से बेघर होना पड़ा है अपनी फसलों को बचाने के लिए। इतने महंगे खाद और बीज लगाने के बाद किसानों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, अगर आप यहाँ पे एक गार्ड लगाएं और उसकी तनख्वाह जोड़ लें तो चचा बहुत महंगा हो जाएगा फिर तो। खेती महंगी पड़ती है जी, महंगी पड़ती है ना, लेकिन अब किन कहा जाए भाई, बचावे का है। अच्छा, किसान को ये बर्दाश्त भी नहीं होगा कि उसके खेत जो है परती रखा रहे? ना ना ना, ये बर्दाश्त नहीं। अब भी हम एक गोरुअन के चक्कर में 1 बीघा खेत अब हम बोवा है, 60 बोवा है, और उस पर तार फिर बंधवाने जा रहा हूँ, उस पर फिर मतलब मचाना चौना हितरा बनवाने जा रहा हूँ, ताकेंगे तो बचेंगे, सो जाएंगे तो गया। मतलब रात भर निगरानी करेंगे तो फसल बचेगी, नहीं तो अगर सो गए, पलक झपक गई तो काम खत्म, काम खत्म। तो ये देखिए, 24 घंटे की ड्यूटी मिल गई है किसानों को, अवैतनिक गार्ड हो गए हैं ये लोग। उन लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, उनका उन्हें ये मालूम भी नहीं होगा कि किसान कितनी मेहनत करता है। देखो जी, चारों तरफ से बंधा हुआ। अच्छा, ये पूरा साफ हो चुका है अपना। अच्छा, ये भी आपका है? ये वो हमारे बड़े भाई का है, छोटे भाई का है, ये हमारा है। आ घुस जाऊं मैं, निकले जो उन मोटरसाइकिल से गए हैं, ये सब खेती हम आपको दिखाते चल रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये आपकी केबिन है ना? हाँ जी। इस केबिन में आप रात बिताते हैं? हाँ जी। दिन में कौन रहता है यहाँ पे?
दिन में लड़के घूम घाम के अपन देखत रहते हैं, ये चर गया एकदम, इसमें फिर खाद मारा, फिर ये कल पा लिया, फिर घूम गए, फिर गए। अच्छा, मतलब एक बार चर गए, फिर आपने खाद मारा कि हो सकता है हो जाए, फिर दोबारा फिर से चर गए। दोबारा फिर चर गए मतलब ये कि ताका जाता है, बच जाए तो कुछ भूसा घासा हो जाए। अच्छा, भूसा घास ही मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा, जब चर गई है तो कहाँ मिलेगा। अरे इसका भूसा भी सहारा नहीं, कितनी देर आ जाए, ये कटते कटते ही अभी फागुन के बाद चैत में कहीं कटेगा, चैत तक जो बच जाए तो नहीं भूसा। अच्छा, देसी भाषा में क्या कहते हैं, मचान? हाँ, मचान, मचान है। तो इस मचान पे ये चाचा का खेत है, उधर उनके भाई साहब का था जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, और ये इनका मचान है। इस मचान में रह के ये लोग जो है रात भर निगरानी करते हैं। यहाँ भी एक खेत है, इसका भी वही हाल है। यहाँ पे देखिए, सब दिखा देता हूँ, साढ़ चर के खत्म कर चुके हैं। अब खेत में देखिए कितने, वहाँ कितने मचान बने हुए हैं। एक वो देखिए काले रंग की प्लास्टिक दिख रही है, उसके आगे देखेंगे एक झोपड़ी दिख रही है, और अगर इधर हम कहें तो एक देखिए पीले रंग की प्लास्टिक खेत में दिख रही है, झोपड़ी है। हाँ, ये पीले रंग की प्लास्टिक, उधर वो नीले रंग की प्लास्टिक। हर खेत में लोग अपना जो है बना बना के और रुकने का स्थान बना लिए हैं ताकि आवारा पशुओं से फसलों को बचाया जा सके, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आखिर आप 24 घंटा कैसे निगरानी कर सकते हैं? और भी तो काम है और भी जिम्मेदारियां हैं परिवार की, उन सबको निभाते हुए आपके पास इतना समय नहीं निकल सकता है कि आप 24 घंटा खेतों में बैठ के निगरानी करें। रात में अगर पालक झपक गई तो आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। तो ये इस तरह से कैसे किसानों की आय दोगुनी हो रही है, क्या 5 किलो राशन दे देने से किसानों को राहत मिल जाएगी, ये सारी बातें विचारणीय हैं। सरकार को समझना चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए। मुंह से बोल देने में और धरातल पर चीज़ों को उतरने में बड़ा अंतर होता है। किसानों की बड़ी समस्या है। प्रतापगढ़ ज़िले में भी हमने जब किसानों से बात की तो ज़्यादातर का मानना यही था कि ये एक बड़ी समस्या है। हम लोग सड़क पर आ चुके हैं, जिनके जो 20-20 बीघे के काश्तकार हैं, मतलब बड़े खेतिहर जो हैं इस क्षेत्र के लिए, पश्चिमी यूपी में लोगों के पास सैकड़ों बीघे होते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पूर्वांचल में 10-20 बीघा अगर किसी के पास है तो उसको तो बड़ा खेतिहर माना जाता है। 20 बीघे का जिसकी खेती है वो भी 10,000 की नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और किसानों की ये जो हालत है, अगर वो किसानी नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना है परिवार को चलाने के लिए, ऐसे में उनको बाहर जाके नौकरी खोजनी पड़ रही है। सरकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल लोकहित इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।